जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 26 जुलाई है, शिवरात्रि का दिन है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमेशा की तरह हर की पैड़ी में पहुंच चुका हूं और आप सभी को यहां के जो सुंदर दृश्य हैं वो दिखाएंगे और आज की जो ताज़ा हालात हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कुछ ही देर में हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी माँ गंगे के दर्शन करें। और ऊंचे पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर है, तो आप सभी यहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक के अनुसार तो जो हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की और कांवड़ियों की संख्या है वो थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन जब हम मुख्य घाट तक पहुंचेंगे तब हमें क्लियर से पता होगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि 25 के बाद जब 26 जुलाई आएगी तो श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, पर अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कुछ देर के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहें, चलते हैं हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं, घाट का क्या हाल है। हर जगह पन्नियाँ, पुराने कपड़े, रैपर्स, चप्पलें, स्लीपर्स यहाँ पर सभी जगह पड़े हैं और ये एक घाट के हाल हैं। और जब अभी मुख्य घाट तक पहुँचेंगे तब वहाँ के जो हाल हैं वो देखकर आप सच में बहुत दुखी होंगे। तो भैया दोस्तों देख सकते हैं, घाट में पैर रखने की भी जगह नहीं है, हर जगह पन्नियां ही पन्नियां आपको नजर आ रही हैं, पुराने कपड़े, स्लीपर। जबकि हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा करना आपकी जो यात्रा है उसको व्यर्थ बनाएगा। आप कितनी दूर से भी यात्रा करने यहाँ पर आए हों, यहाँ से गंगा जल लेकर आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें, लेकिन आपने अगर इस तरह की गंदगी करके यहाँ पर पवित्र स्थान पर अगर गंदा करके आप गए हैं तो सब कुछ व्यर्थ जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चले और नेक्स्ट टाइम ये लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब मैं शिवघाट के पास पहुंच चुका हूं। आज शिवरात्रि का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, तो आप सभी भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आप कहीं भी देख लेंगे आपको जो घाट है सब गंदे ही दिखेंगे, और एक गंदा होता है और एक बहुत ही ज़्यादा गंदा। वैसे हाल यहाँ पर हैं, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि यहाँ पर ज़्यादा देर ठहर पाना भी बहुत मुश्किल है। बस थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ ही सेकंड में हर की पैड़ी के मुख्य स्थान तक हम पहुंच जाएंगे और आप सभी को वहां से दर्शन कराएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो हाल हर की पैड़ी का यहां पर देखने को मिल रहा है इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
तो दोस्तों फाइनली हम हर की पैड़ी के मुख्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। इस समय आप सभी हर की पैड़ी के नाई घाट के ताजा दृश्य देख रहे हैं और आज भी जो श्रद्धालु और कांवड़ियों की संख्या है उसमें कमी जरूर है, लेकिन कम नहीं कह सकते। उम्मीद ये की जा रही थी कि 26 जुलाई से जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। और अभी यहाँ से जब हम घंटाघर घाट और ब्रह्मकुंड घाट मालवी घाट की ओर चलेंगे तो वहाँ पर इससे भी कहीं ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या है। ज़्यादातर इसमें कांवड़िए हैं। आज के दिन डाक कांवड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग ले जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ माँ गंगे के दर्शन करें। कमेंट में जय गंगे माता जरूर लिखें। 26 जुलाई की ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं, शिवरात्रि का दिन है और ऐसे में आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि हर एक व्यक्ति आज हरिद्वार के दर्शन कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे भोले इस समय स्नान कर रहे हैं और जब कोई व्यक्ति हरिद्वार पहुँचता है, स्नान करता है तो उसके चेहरे में खुशी होती है और वैसा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी भी देख सकते हैं झूला वाली कांवड़ जो है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो भोले हैं उनका स्नान चल रहा है, पवित्र गंगा जल में सभी डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नाई घाट के सामने गंगा जल का जो बहाव है बहुत ही तेज है, तो जो लोग रेलिंग को पार करके उस साइड जाकर स्नान करते हैं ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि बहाव इतना तेज है कि हाथ छूटते ही आप बह जाएंगे। ये देख सकते हैं घाट में जो पैड़ियां हैं कितनी गंदगी पड़ी है, पुराने कपड़े देख सकते हैं आप कितने ज्यादा मात्रा में लोगों ने छोड़े हैं और ये सभी जल तक पहुंच जाएंगे और गंगा जल को दूषित करेंगे। ये देख सकते हैं इतनी स्मेल है यहाँ पर कि खड़े रह पाना बहुत मुश्किल है। मेरी प्रशासन के लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी जल्दी साफ कराया जाए क्योंकि ये सब गंगा जल में पैरों में लगते हुए चला जाएगा। दोस्तों अब आप सभी हर की पैड़ी के सबसे मुख्य घाट को देख सकते हैं, ये ब्रह्मकुंड घाट के समय ताजा दृश्य आप सभी देख रहे हैं। आज भी जो हर की पैड़ी के मुख्य घाट हैं और बाकी जो घाट हैं वो फुल हैं, लेकिन कल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो थोड़ी सी संख्या कम दिख रही है। और इस साइड है घंटाघर घाट। उम्मीद की जा रही थी कि संख्या कम होगी लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और अभी भी घाट में जगह नहीं है कि लोग आसानी से स्नान कर लें। छब्बीस जुलाई की ये वीडियो है। एक बार फिर से मैं आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की लाइफ में, आप सभी की जीवन में बहुत सारी खुशियां दें। देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु और कांवड़िए अभी भी हर की पैड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, यहाँ तक पहुँचना आजकल बहुत ही मुश्किल भरा रहता है, तो इतना तो सहयोग करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसके साथ साथ वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज भी देता रहता हूँ, वो मैसेज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए।
इस तरह अगर यहाँ पर आएंगे और ऐसी गंदगी करके जाएंगे तो सच में आपका जो कांवड़ यात्रा है वो कभी भी सफल नहीं मानी जाएगी। दोस्तों अब आप सभी देख सकते हैं ये महिला घाट के दृश्य हैं और महिला घाट में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कहीं भी जगह नहीं दिखाई दे रही है कि लोग आकर जल्दी से स्नान कर पाएं। दोस्तों ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो डाक कांवड़ की वजह से ग्रुप में आए हैं, 10-10, 15-15 लोगों का ग्रुप है और ऐसे लोग आज ही इनको पहुंचना भी है और आज जाकर जलाभिषेक करना है। इस वजह से जब भी ये लोग निकलते हैं तो इनको साइड दे दें ताकि इनकी यात्रा जल्दी से पूरी हो। तो दोस्तों देख सकते हैं डाक कांवड़ कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दोस्तों डाक कांवड़ की जो शुरुआत होती है बहुत ही तेजी के साथ होती है और ऐसे ही पूरी यात्रा इनकी कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं डाक कांवड़ की शुरुआत किस तरह होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ही देर में डाक कांवड़ की शुरुआत हो रही है और शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। देख सकते हैं ये मालवी घाट है, काफी बड़ा घाट है और सबसे ज्यादा जो कांवड़िए हैं इसी घाट से गंगा जल भरते हैं। आप यहाँ के ताजा दृश्य देख सकते हैं। समय की बात करें तो इस समय 8:30 बजे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं एक भोले डाक कांवड़ को भरते हुए और बहुत ही स्पीड के साथ डाक कांवड़ की शुरुआत होती है और पूरी यात्रा जो होती है भागम भाग होता है। आपने देखा कि किस तरह डाक कांवड़ की शुरुआत अभी कुछ देर पहले की गई। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो खत्म होने से पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लगातार ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो आप देखते रहें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।